धरमजयगढ़ क्षेत्र में एक व्यक्ति ने पहले अपनी पत्नी से जमकर मारपीट की और उसके बाद खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दूसरी ओर पति की पिटाई से घायल महिला को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई है। यह पूरा मामला धरमजयगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित संग्रा गांव का है। इस संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक गोपाल मंजुवार ने बीते 8 अप्रैल को अपनी पत्नी करम कुंवर की बेतहाशा पिटाई की थी, जिसके बाद घायल महिला को बेहोशी की हालत में धरमजयगढ़ सिविल अस्पताल लाया गया, जहां से उसकी नाजुक हालत को देखते हुए जिला चिकित्सालय भेज दिया गया, जहां देर रात इलाज के दौरान घायल महिला ने दम तोड़ दिया। इसी बीच उधर संग्रा गांव में लोगों ने गोपाल मंजुवार के परिजनों को बताया कि क्षेत्र के तुरंगी जंगल में गोपाल ने फांसी लगा ली है। वहीं परिजनों ने घटना स्थल पर जाकर देखा कि गोपाल ने महुआ पेड़ पर फांसी के फंदे से लटका हुआ है, जिसके बाद पुलिस को इस मामले की सूचना दी गई। वहीं पुलिस मार्ग कायम कर मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि मृतक गोपाल मंजुवार का मानसिक संतुलन पिछले कुछ समय से ठीक नहीं रहता था। इस मामले के जांच अधिकारी ने बताया कि फांसी लगाकर आत्महत्या के मामले में मार्ग कायम कर जांच की जा रही है। वहीं मृतक की पत्नी की मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई कर अपराध कायम किया जाएगा।